2024 के लोकसभा चुनाव किसी लिए खुशखबरी लेकर आया तो किसी के लिए मायूसी। इस चुनाव में ऐसे फेरबदल हुए कि बड़े बड़े सितारे भी चारों खाने चित्त हो गए। नेता चाहे बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के, नाम बड़े रहे लेकिन इस चुनाव में वो फेल हो गए। एक तरफ बीजेपी से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से राज बब्बर भी जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। वैसे अमेठी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। उम्मीद थी कि फिर से अमेठी की सीट पर कमल खिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के केएल शर्मा से रहा। एक ओर स्मृति ईरानी को 3,72,000 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस के केएल शर्मा को 5,39,000 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस के केएल शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को करीब 1,67,000 वोटों से हराया। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान वक्त रहते कर दिया था, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से इस सीट को लेकर काफी माथापच्ची हुई और आखिरी वक्त में कांग्रेस ने इस सीट से गांधी परिवार के विश्वसनीय केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। जमीनी स्तर पर अमेठी में ही रहने वाले केएल शर्मा ने आखिरी वक्त में नामांकन जरूर दाखिल किया, लेकिन वोटर्स का भरोसा जीतने में कामयाब भी हुए। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के स्टार रहे राज बब्बर का भी बुरा हाल हो गया। गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन इस सीट पर राज बब्बर का कुछ खास कमाल नहीं दिखा। गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस के राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के सांसद और केंद्र में मंत्री रहे राव इंद्रजीत से रहा। एक ओर कांग्रेस के राज बब्बर को जहां 7,33,000 वोट मिले तो दूसरी ओर बीजेपी के राव इंद्रजीत को करीब 8,08,000 वोट मिले। इस सीट पर बीजेपी के राव इंद्रजीत ने कांग्रेस के राज बब्बर को करीब 75,000 वोटों से हराया। हालांकि राव इंद्रजीत पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया था और वोटों की गिनती के दौरान कई बार ऐसा दौर आया जब राज बब्बर आगे निकले, लेकिन आखिरी वक्त में जीत राव इंद्रजीत की हुई।